कार्यक्रम सुखी वैवाहिक जीवन के उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। हर महिला को अपने पति के प्यार पर शक होता है और पति भी होते हैं कहीं ऐसे कि जो दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे पति को सुधारने के लिए पत्नी को मैं एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं कि जिससे पत्नी का आकर्षण बढ़ेगा और डेफिनेटली जो है पत्नी जो है दूसरी महिलाओं से दूर होकर अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होगा। मेरे जो भी प्रोग्राम होते हैं वह लोगों के डिमांड पर आधारित होते हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई समस्याएं देश में हमारे तो रिलेशन को लेकर है, देश ही नहीं विदेशों में भी है। आजकल तो पूरे विश्व से मेरे पास जो फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि पति जो है दूसरी महिला की तरफ आकर्षित है। गुरुजी कैसे छुटकारा पाएं उस महिला से, कैसे पति को दूर करें, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे कि पति हमारी ओर ही आकर्षित रहे और घर परिवार बना रहे। तो ऐसी महिलाओं के लिए एक बहुत जोरदार उपाय है, प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय हो जाए उसके पश्चात एक घंटे के भीतर, जैसे कि सूर्योदय 7 बजे हुआ है तो 7 से 8 बजे के बीच स्नान करके एक मंत्र में देने वाला हूं, उसका प्रतिदिन 108 बार जप करें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करें। और ध्यान रखें कि जप जो आपको करना है वह तुलसी की माला से करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। स्क्रीन पर भी मंत्र है, आप उसे पढ़ लीजिए। तो यह मंत्र बड़ा उपयोगी है बहनों। पति अगर बाहर जा रहा है तो वापस लौट कर आएगा, आपकी प्रति उसका श्रद्धा प्यार विश्वास समर्पण बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी और घर से तनाव खत्म होगा। जो भाई लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं है। जीवन में पति पत्नी का जो रिलेशन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यदि वह बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। और पति पत्नी का रिलेशन यदि सहज भाव से चलता है तो इंसान की तरक्की भी होती है, वह आगे बढ़ता है तथा उसके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। परिवार एक बहुत बड़ी चीज है, आपको उसे संभालना है। यदि आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप बिल्कुल जो है अन्य महिलाओं के अगर से संपर्क में है तो तत्काल जो है उनसे रिलेशन खत्म कीजिए और अपनी पत्नी से बैठकर बात कीजिए और गलती की माफी मांगिए। और यदि आप शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो आप परिवार को सहज और सुचारू रूप से चलाएं तो भी एक माफी होगी। सुबह का बोला जो होता है वह शाम को जब लौट के आता है तो आप देखना कि उसके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आता है, ईश्वर भी उसको आशीर्वाद देते हैं। गलती हर इंसान से होती है लेकिन गलती की माफी तभी मिलती है कि जब वह उसका प्रायश्चित करे। तो भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं वह अपने पत्नी के प्रति समर्पित रहे। और पत्नियां यदि गलत काम कर रही है पति के से छुपकर तो वह भी इस कार्यक्रम को देखने के बाद इस बात पर विचार करें और सब चीजों से छुटकारा पाए और अपने घर को बेहतर तरीके से एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए चलाएं, बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप वास्तु ज्योतिष एवं तंत्र संबंधी मुझसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज वास्तु गुरु मनीष साई के नाम से है, मेरी वेबसाइट gurumanishsai.com जिस पर ढेरों उपाय हैं, हर समस्या का उपाय है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल गुरुदेव टीवी के नाम से, उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। परामर्श एवं वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें साई अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन, 156 सहयोग विहार बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश, फोन 9617950498, 9425150498।